डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इनको इस तरह सजा दिया गया और फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी सेंटर O अपना ये है लाल रंग का डॉट और इसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तीनों को अगर रोटेट कर दिया जाए तब हमें निकालना है। तो हमें एक तो मालूम होना चाहिए यार कि इसके अलोंग एक डिस्क का अगर निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ये तो यार अब तक याद ही कर लिया होगा आपने, लेकिन चैलेंज ये है कि ये पॉइंट का डिस्टेंस ये बीच में है, दिस इज नॉट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। तो ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है ओ, ये इससे रेडियस आर दूरी पे नहीं है, उससे ज्यादा दूरी पे है। तो उसको मैं थोड़ा मैग्निफाई करके कर बना रहा हूं, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को हम लोग देखें तो भाई इसके अंदर एक आर पे ये है, और यार थोड़ा सेंटर के हिसाब से बनाया जाए, एक ये है, इसका सेंटर ये ले लिया, एक ये है और एक ये है। तो ये जो है ये पॉइंट यहां पे है भाई, ये मतलब रेडियस से ज्यादा है, बट हम लोग बड़े आसानी से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप में से कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? देखिए ये वाला पाइथागोरस, हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। देखिए ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल जो है वो क्या है, इसका सेंट्रोइड है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही सर्कम सेंटर होता है, वही इन सेंटर होता है। तो वो एंगल बाइसेक्टर वाला मामला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री। ये क्या है, ये रेडियस आर था, ये रेडियस आर है, और ये हमें निकालना है, ये एक्स है मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, यही तो इन दोनों में कॉस का रिलेशनशिप होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स इज इक्वल टू आर बाई कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, एक्स इज इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री हो जाएगा। अब देखिए हमें ये मालूम है कि एम आर स्क्वायर इसके अबाउट है। अब इस वाली डिस्क के एम आर स्क्वायर बाई टू को इधर लाना हो तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पहली बात तो सारी डिस्क जो है वो सिमिलर है, तो पहली इस वाला का आई वन, इसका आई टू, इसका आई थ्री, ये कह सकते हैं हम लोग, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि हम आई इज इक्वल टू थ्री टाइम्स आई वन कह दें। अब आई वन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अलोंग ओ, ठीक है। अब अलोंग ओ करेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर को यहां शिफ्ट करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई थ्री टाइम्स। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर तो सीधा पटक दिया और फिर एम एक्स स्क्वायर और कर दिया, एक्स हमारे पास तैयार बैठा ही है, 2R by root 3 का square MR square by 2 plus 4R square divided by 3। अब आप देख सकते हैं कि यार 3MR square में common ले सकते, 3 तो बाहर है ही है, MR square भी बाहर ले लिया, अंदर क्या आया 1 by 2, अंदर क्या आया 4 बाई थ्री, ठीक है। अब तो बस एलसीएम है, ठीक है ना, 2 3 6 3 ऊपर 3 2 6 2 4 8, ठीक है। अब 3 को
ये उड़ा देगा टू, तो 8 3 11 11/2 mr², ये हमारा रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री डिस्क अलोंग द पॉइंट ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेट।